हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन विद चेतना एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आजियो ज्वेलरी हॉल। सो मुझे आजियो जो वेबसाइट है या ऐप बोल दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लगती है। चाहे आप क्लोथिंग आइटम लो, चाहे आप शूज़ आइटम लो, चाहे आप ज्वेलरी आइटम लो, यू नो वहाँ पे इतने एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स कूपन जो है वो अप्लाई हो जाते हैं। और कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो तो और भी ज़्यादा जो है वहाँ पे डिस्काउंट देखने को आपको मिलते हैं। सो मुझे आजियो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लगता है। सो दिस टाइम आई परचेस सम ज्वेलरी रिगार्डिंग लाइक आप अपनी फ्रेंड की शादी में जा रहे हो या खुद की शादी हो या फिर आप दिवाली पे कुछ ज्वेलरी वेयर करना चाहते हो स्टाइलिशली, तो वो आइडिया मैंने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आजियो से कुछ ज्वेलरी परचेस करी है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपनी साइड से कोई भी कॉन्टेंट का नाम बता सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस कंटेंट पे वीडियो देखना है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं गाइज। सो गाइज, इस वीडियो में अभी जो भी मैं आपको ज्वेलरी दिखाऊंगी वो 400 टू 500 की रेंज में है। बस एक हार सेट है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट थिंग इज दैट कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने सोचा कि उसको परचेस करके देखते हैं कि उसकी क्वालिटी एंड ऑल कैसी आती है। बिकॉज अफोर्डेबल ज्वेलरी भी वहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी की आती है, सो आई थॉट कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव ट्राई करते हैं, इसलिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। इन केस कोई डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। अगर वीडियो में कोई भी ज्वेलरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है या मेरा कलेक्शन अच्छा लगता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो गाइज। सो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइज, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो ज्वेलरी शेयर करना चाह रही हूँ, चलो वही शेयर कर देती हूँ जो मैंने वियर कर रखी है। सो गाइज, ये सबसे पहली ज्वेलरी है जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। ये कुंदन एंड पर्ल का चोकर है जिसके साथ में आपको इतने बड़े वाले झुमके मिलते हैं, प्लस आपको एक मांग टीका भी मिलता है। सो अभी मैंने मांग टीका नहीं लगाया, ये ब्यूटीफुल सा मांग टीका मिलता है। मैं वैसे आपको पूरा स्टाइल करके दिखाऊंगी, तो ये ब्यूटीफुल का इतना बड़ा राउंड का मांग टीका मिलता है। वैसे आपने मेरा इंस्टाग्राम से शॉर्ट्स एंड रील यूट्यूब पे देखी होगी, शॉर्ट्स एंड रील देखे होंगे और मेरी पिक्चर भी देखी होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने सेम इस पिंक कुर्ती पे स्टाइल किया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसके पर्ल और कुंदन की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। प्लस मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपको इतने बड़े बिग साइज़ के अच्छी क्वालिटी के झुमके मिल रहे हैं। एंड यू नो गाइस, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जस्ट 421 रुपीज़ समथिंग कुछ है, जिसमें आपको चोकर और ईयरिंग बड़े साइज़ के और आपको झुमका भी मिल रहा है। सो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल डील लगी, बिकॉज अपन अप्लाई करने के बाद एंड बैंक डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में मिला। एंड यू नो गाइज, वहां पे हमेशा कोई ना कोई बैंक डिस्काउंट प्लस कूपन तो अप्लाई होते ही होते हैं, तो आपको अच्छे से सर्च करके अच्छे से पढ़ के फिर आपको परचेस करना है, तो आपको बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में पड़ जाएंगे। तो फर्स्ट ज्वेलरी जो आपको नेकलेस में आपको दिखाने जा रही हूँ वो ये है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इस टाइप के नेकलेस जो है आप लहंगा चोली पे, कुर्ती पे या फिर आप टॉप के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। अभी तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि आप शर्ट के अंदर ऐसा इस टाइप का चोकर आप स्टाइल करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगा। मार्केट में अगर आप ट्राई करोगे आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लगा है एंड क्वालिटी एवरीथिंग बहुत अच्छी, इसलिए ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। ये आप अपनी फ्रेंड की शादी में जा रहे हो तो भी स्टाइल कर सकते हो, इवन आप दिवाली पर भी इसको स्टाइल कर सकते हो। नेक्स्ट जो नेकलेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी अगेन चोकर है। इस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा चोकर परचेस करे हैं। सो ये भी एक चोकर है, आई गेस आपको कैमरे में दिख रहा होगा, ये पर्ल का चोकर है और यहाँ पे कुंदन का थोड़ा सा डिज़ाइन दिया हुआ, लटकन है यहाँ पे पर्ल की छोटी छोटी। सो इस टाइप के नेकलेस मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये थोड़ा रजवाड़ी स्टाइल का चोकर है, सो मुझे इस टाइप का चोकर स्टाइल करना था एंड ट्राई करना था इसलिए मैंने ये परचेस किया। बट ये प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, बिकॉज इसका प्राइस 700 है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे प्राइस के
अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा. हो सकता है कि इस पर जो फिनिशिंग है वो और भी ज़्यादा सुंदर है, बट आई गेस मैं जो भी ज्वेलरी हॉल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उससे मुझे आइडिया है कि मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, बिकॉज ऐसे नेकलेस मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करे, तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा. और इस पर कोई कूपन भी अप्लाई नहीं हो रहे थे. आई गेस इसका 750 अप्रॉक्स कुछ प्राइस है और ये 701 रुपीज़ में मुझे पड़ा है. सो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, बट क्वालिटी अमेजिंग. अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको शिफोन की साड़ी स्टाइल करने में, या फिर आप कोई भी ऐसी साड़ी वियर करते हो इस टाइप से पल्लू आगे लेके, मतलब आई गेस आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो उस टाइप में आपको अगर रजवाड़ी टाइप का चोकर चाहिए तो ये बहुत ही अच्छा गुड ऑप्शन है. वियर करने के बाद बहुत अच्छा लगता है. इनके साथ में जो झुमकी मिलती है वो भी कुंदन की एंड पर्ल की लटकन की मिलती है. ब्यूटीफुल सी स्टाइलिश झुमकी मिलती है. इस टाइप की झुमकी अगर आप राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप राजपूती ड्रेस पे भी स्टाइल कर सकते हो, राजपूती साड़ी पे भी स्टाइल कर सकते हो. बहुत ही सुंदर लगेंगे गाइज, इनका बहुत ही अच्छा लुक आएगा वेयर करने के बाद में. सो ये वाला चोकर भी मैं आपको रजवाड़ी स्टाइल के हिसाब से हाईली रिकमेंड करती हूँ. बहुत सुंदर है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज कर सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ये मल्टी लेयर्ड नेकलेस. यू नो गाइज, इस टाइप के नेकलेस अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी हैं. और इस टाइप के नेकलेस को आप जो है शर्ट के साथ में स्टाइल कर सकते हो, या फिर आप ऐसा ब्लाउज वेयर करते हो जो बॉट नेक का है या हाई नेक का ब्लाउज है, तो डेफिनेटली आप इस नेकलेस के लिए जा सकते हो. बिकॉज इसका जो मल्टी लेयर नेकलेस है, ये जो मल्टी लेयर नेकलेस है इसमें कुंदन की आपको लीफ टाइम समथिंग कुछ डिज़ाइन मिलती है. इसमें 2 से 3 कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे, लाइक एक मरून कलर मिलेगा, एक ग्रीन कलर मिलेगा, और ये व्हाइट एंड व्हाइट कलर में मैंने परचेस किया है. इसमें आपको मिलते हैं लीफ डिज़ाइन के इयरिंग. सो इयरिंग की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर क्वालिटी के इयरिंग है और स्टड क्वालिटी के इयरिंग है. और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. सबसे अच्छी बात है कि ये जो व्हाइट कलर में अवेलेबल है वो 281 रुपीज़ में है पूरा सेट विथ इयरिंग. लेकिन अगर आप ग्रीन कलर एंड मरून कलर में परचेस करोगे, लाइक इन द सेंस कि ये जो पर्ल है इसमें व्हाइट है, अगर आप ग्रीन पर्ल के या फिर मरून कलर के पर्ल के आप परचेस करोगे तो आपको आई गेस 421 रुपीज़ में पड़ेगा, बिकॉज ग्रीन एंड मरून का जो कलर है और ज़्यादा उभर कर सुंदर लग रहा था. बट ये मैंने व्हाइट परचेस किया बिकॉज व्हाइट एक ऐसा कलर है जिसको मैं किसी भी शर्ट के साथ में, किसी भी कुर्ती या ब्लाउज के साथ में स्टाइल कर सकती हूँ. बिकॉज ग्रीन कलर थोड़े सेलेक्टेड ड्रेसेस के साथ में हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें ये पर्ल एंड व्हाइट पर्ल एंड कुंदन का परचेस किया है. क्वालिटी बहुत अच्छी है, 281 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बहुत बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. मुझे इसकी लुकिंग एंड फिनिशिंग एवरीथिंग बहुत अच्छी लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये लोकल है. और इयरिंग की क्वालिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है. नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ब्यूटीफुल सी चांद वाली झुमकी. सो गाइज, ये चांद वाली झुमकी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है. जब आपको कोई ज्वेलरी में समझ नहीं आ रहा है तो नॉर्मल आप ये पर्ल एंड कुंदन की चांद वाली ही पहन लीजिए, और नेक में आपको कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ये झुमका पहन लीजिए तो आपका आउटफिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप दिवाली पे लहंगा चोली पहनने वाले हो, या अनारकली सूट पहनने वाले हो, या कुर्ता पजामा कुछ भी आप पहनने वाले हो, कुर्ता सेट कुछ भी आप पहनने वाले हो, तो सिंपल ये आप झुमके मतलब चांद वाली इयरिंग जो आप ट्राई करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे. और कुछ ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही अच्छे लगते हैं नॉर्मल सा सिंपल सा बन बना के. और प्राइस इसका आई गेस 300 के अप्रॉक्स कुछ है. आप इससे भी सस्ते में प्राइस, इससे सस्ते में भी आप आजियो से ले सकते हो जब ज्वेलरी डिस्काउंट चलता है तब. मैंने इसका प्राइस 300 रुपीज़ पे किया है. ब्रांड जवेरी पर्ल है. जवेरी पर्ल बहुत ही अच्छी ब्रांड है ज्वेलरी कलेक्शन के अंदर, और इनकी क्वालिटी एंड एवरीथिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है. मैं आपको स्टाइल करके भी दिखाऊंगी कि ये वेयर करने के बाद कैसे लगे.
नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ब्यूटीफुल से राउंड शेप के पर्ल लटकन वाले इयररिंग है। मुझे राउंड शेप के जो इयररिंग होते हैं स्टड क्वालिटी के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यू नो गाइस, अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको ज़्यादा ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है, सिर्फ लॉन्ग इयररिंग, तो ये वाले बहुत ही गुड ऑप्शन है राउंड शेप के अंदर। और प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, 160 रुपीज़ के अंदर मैंने इनको परचेस किया है। पर्ल की क्वालिटी, कुंदन की क्वालिटी, एवरीथिंग बहुत ही अच्छी रिसीव हुई है। नाइट टाइम पर इनका लुक बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि इनकी पर्ल और जो कुंदन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी शाइन दे रहे हैं। सो मुझे इनकी क्वालिटी, एवरीथिंग और प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और इस टाइप के राउंड शेप की इयरिंग जो है अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो अफोर्डेबल रेंज में अगर आपको इयरिंग चाहिए तो। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ये ग्रीन और मरून कलर का कुंदन तो नहीं बोल सकते, स्टोन एंड पर्ल में ये नेकलेस है, चोकर है, जिसको बेसिकली ये स्ट्रेट मिलता है बट आप इसको इस टाइप से राउंड करके चोकर बना सकते हो। ये चोकर ही बनेगा, दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये भी 300 और 320 की रेंज में है। सो ये आपको आजियो पे 300-320 की रेंज में मिलेगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस टाइप के चोकर जो है आप साड़ी पे स्टाइल कर सकते हो, लहंगा चोली पे स्टाइल कर सकते हो और एक अफोर्डेबल रेंज में इतनी अच्छी गुड क्वालिटी का आपको चोकर मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। इसमें आपका मरून कलर, ग्रीन कलर और पर्ल, एवरीथिंग कंप्लीट हो रहा है, सारे आउटफिट के साथ अच्छे से चला जाएगा। और इसके साथ में मैचिंग के आपको इयररिंग मिलते हैं। सो ये इसके इयररिंग है, साइज़ काफ़ी अच्छा है और लुकिंग में भी बहुत अच्छा आएगा जब आप वेयर करोगे तो। सो ये वाला नेकलेस भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको चोकर में पर्ल और कुंदन के अलावा भी और कलर ऑप्शन चाहिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आप एक दो बार पहनोगे और टूट जाएगा कहीं से। हाँ, ये धागे की मैं गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि मोस्ट ऑफ आप कितनी भी अच्छी ब्रांड का खरीद लो, अगर आप बहुत जल्दीबाजी में हो और आप उतारोगे तो ये किसी भी अच्छी क्वालिटी का हो चाहे लोकल क्वालिटी का हो, ये रिमूव हो सकता है। बट इसकी जो फिनिशिंग है और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं ये भी आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। ओके गाइस, लास्ट सेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा ब्रेडेड या थ्रेड से बना हुआ एंड सिल्वर डिज़ाइन का या सिल्वर फिनिशिंग का ये चोकर है, चोकर या नेकलेस बोल सकते हैं, एक्चुअली ये चोकर नहीं रहेगा, नेकलेस रहेगा। सो ये बेसिकली बोहो स्टाइल का नेकलेस है। यू नो गाइस, अभी बोहो स्टाइल के नेकलेस जो हैं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं बट इंस्टाग्राम स्टोर पे मैंने ट्राई किए थे, मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, नो डाउट उनका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था बट मुझे इस टाइप का नेकलेस काफ़ी टाइम से चाहिए था एंड आजियो पे मैं काफ़ी टाइम से ये देख भी रही थी बट दिस टाइम मुझे थोड़े से डिस्काउंट में पड़ गया। 300 रुपीज़ के अंदर मुझे ये नेकलेस पड़ा है जो बहुत ही सुंदर, इसकी क्वालिटी जो यहाँ पे ब्रेड है इसकी वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, धागे की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये सिल्वर का जो डिज़ाइन है स्पेशली बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही गुड क्वालिटी का है। सो अगर आपको शर्ट के साथ में या फिर आप बोहोमिया लुक स्टाइल करते हो तो उसके साथ में अगर आपको कोई नेकलेस चाहिए तो आप डेफिनेटली आजियो पे ट्राई कर सकते हो। ये मुझे पड़ा है 300 रुपीज़ का एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू प्राइस, बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टोर पे ऐसा नेकलेस ट्राई किया था, मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा था बट आजियो पे मुझे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में पड़ गया है। सो अगर आपको ऐसा नेकलेस चाहिए तो डेफिनेटली आप आजियो पे चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट माई आजियो ज्वेलरी कलेक्शन हॉल, दिवाली के पर्पज से बोल दो या फिर वेडिंग पर्पज से बोल दो। सो ये एक हॉल है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, होपफुली आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे अच्छी
ज्वेलरी या नेकलेस आपको कौन सा लगा और मेरा जो कलेक्शन है, मैंने जो चॉइस आप लोगों के साथ शेयर करी, आपको कैसी लगी। अगर आप लोगों को जो भी आपको पसंद आया उसमें से प्लीज़ कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। इधर साइड में इनका कोई पैसा नहीं लगता, डेफिनेटली आप लाइक एंड बेल बटन प्रेस कर सकते हो ताकि आप मेरे न्यूली नोटिफिकेशन जल्दी से गेट कर सकते हो। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि जब वीडियो लाइव होता है तो उसका नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों को नहीं जाता, मुझे इंस्टाग्राम पर DM आते हैं, इसलिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आप मेरे न्यूली नोटिफिकेशन को पा सको। एंड गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, दैट इज़ फैशन विद चेतना। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, बाय बाय।